गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फाइनल टर्म क्लासिक्स। टुडे डेट इज 1 सितंबर 2020, यूनिट नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4B। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच इज स्मॉलर, ए इज इक्वल टू 5, -8। -8 इज स्मॉलर, इट्स आंसर वाई। क्यों -8 आंसर आए? क्योंकि माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही छोटा नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 है तो, और -1 है तो -1 क्या है हमारे पास? स्मॉलर होगा। 0 हमारे पास क्या होगा? बड़ा 1 होगा। क्योंकि जैसे आप 100 रुपीज़ आपके पास और आप तो शॉपकीपर को देते हैं, उसमें से आप 30 रुपीज़ की चीज़ लेते हैं, तो आप वो क्या करते हैं, 100 में से 30 माइनस करके आपको वापस पैसे रिटर्न करते। तो माइनस कितने करेगा रिटर्न? 30, तो आपको कितने रिटर्न करेगा? 70। तो इसलिए माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही छोटा नंबर हो कहलाएगा। अगर -8 और -25, तो इसमें से अगर आपसे पूछे कि छोटा नंबर कौन सा है तो आपने क्या लिखना है? -25। तो याद रखें, माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही वो छोटा नंबर कहलाएगा। तो होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर B, C, D, E। और कोई भी आपको डिफिकल्टी फेस हो तो आप मुझे मैसेज कर, टेक्स्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं, माइनस और फाइव, -8 में स्मॉलर नंबर क्या है? -8। मैंने आपसे कहा माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही छोटा नंबर हो। -1 और -100 में छोटा नंबर क्या होगा? -10। -100 और -1000 में छोटा नंबर क्या होगा? -1000। तो ये दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट।